हेलो राधे, आज मैं आपको सिंपल सोया चाप की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम चाप है जो डीप फ्राई करके रखी हुई है मैंने, ये मलाई है, ये चाप का मसाला है, ये 50 ग्राम मटर है, ये 3 टमाटर, हरी मिर्च और अदरक पीस के रखा हुआ है मैंने, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, जीरा और तेल। ये जो चाप का मसाला मैंने लिया है, क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन की चाप बनाना सिखाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा मसाला तो चाहिए सब्जी में। ये कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, इसमें 3 टेबलस्पून तेल डाला हुआ सरसों का। ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा सिक चुका है, अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर को तब तक सेकेंगे तब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। ये टमाटर थोड़ा सा पक चुका है, अभी इसमें मसाला डालूंगी ताकि मसाला भी इसके साथ पक जाए। ये धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और नमक स्वाद अनुसार और ये 1/2 टेबलस्पून हल्दी। लाल मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च इसमें पिसी हुई है। ये हमारे टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें मैं मलाई डालूंगी, हाफ कटोरी मलाई है। मलाई डालने से इसमें चाप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी सा, और खाने में भी अच्छी लगती है। ये मलाई भी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें चाप का मसाला डाल दूंगी। ये गिलास पानी है जो 1/2 गिलास डालूंगी मैं, ताकि अब सब्जी में टेस्ट अच्छा आए और थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी बने। अब इस पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें चाप और मटर डालूंगी। ये पानी उबल के तैयार हो गया है, अब इसमें मैं सोया चाप और मटर डाल दूंगी। इसको 10-15 मिनट पकाना है, ये मटर और सोया चाप डालने के बाद। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी और 10-15 मिनट के लिए। देखिए ये सब्जी बनके तैयार होगी, 15 मिनट तक बॉईल की है, अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप भी खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।